नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवाहा और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम बात करते हैं जन सरोकार की और हम बात करते हैं समाज के विकास की, हम बात करते हैं देश के विकास की। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं किसान यूनियन के जिला मीडिया प्रभारी देवेंद्र सिंह। आज उनसे मिलते हैं कि किस तरह से किसानों की समय समस्या चल रही है। पहले तो आपका आईपा मंच में यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और खासकर आप लोग जो ये छोटी छोटी समस्याएं हमारे किसानों की उठाते हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र भाई, इस समय जो किसानों की समस्याएं हैं, समस्याओं को लेकर किसान काफी धरना प्रदर्शन, काफी चीजें परेशान थे, लगातार धरना भी दिए, क्या लगता है क्या क्या समस्याएं इस समय? देखिए, किसानों की समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो जरूर समस्याएं होती हैं तत्कालीन, जैसे इस समय हमारे यहाँ अपने जिले में चित्रकूट में जो धान खरीद केंद्र को लेकर समस्या है, हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी, शासन प्रशासन से भी हमेशा मांग करते आ रहे हैं कि भाई यदि फसल का कहते हैं कि पैदावार बढ़ रही है तो हमारे यहाँ सबसे पहले तो केंद्र बढ़ने चाहिए। जैसे पिछले साल इन्होंने 14 केंद्र बनाए और इस साल 11 केंद्र ही है, आखिर 3 केंद्र क्यों माइनस किए, क्यों नहीं खोले? एक ये समस्या का विषय है, क्योंकि वो 3 केंद्र, जैसे राजापुर तहसील है, राजापुर तहसील बहुत बड़ा एरिया है और वहाँ काफी धान की पैदावार होती है और वहाँ पे सिर्फ एक केंद्र है, वो भी खुला कब? अभी 28 दिसंबर को जब हम लोगों ने हड़ताल की, धरना दिया, प्रदर्शन किया, मांग की, तब जाके वो केंद्र खुला। तो इस तरह से देखा जाए तो उसका समय 2 महीने चला गया, बाकी 2 महीने बचे, 28 फरवरी के बाद वो खरीद केंद्र बंद हो जाएगा। तो 2 महीने में अब वहां तो मारा मारी है, किसान आपस में लड़ रहे हैं बेचने के लिए। अच्छा, दूसरी एक समस्या ये है केंद्रों की कि ये सही ढंग से उठान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे केंद्र हैं, जब बहुत ज्यादा जगह नहीं है तो जिला प्रशासन जो है, जो आपके यहाँ डिप्टी आर एम होते हैं, वो बारदाना नहीं दे पाते हैं और उठान नहीं कर पाते हैं। तो एक बहाना हो जाता है केंद्र प्रभारियों की, भाई मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास बारदाना नहीं है, कहाँ से परचेज करूँ? एक ये बहुत बड़ी समस्या है, इसकी भी हम मांग उठाते हैं। और इसका समाधान कैसे हो? समाधान देखिए, हम आज जिला प्रशासन से, आपके माध्यम से, प्रशासन से मांग करेंगे कि इन केंद्रों को अपने यहाँ जो मंडी समितियां हैं, मंडी बनी, खाली मंडियां पड़ी हैं जहाँ पे कोई खरीदारी नहीं हो रही, कोई भी कार्य नहीं हो रहा मंडियों में, और अफराद जगह है और ऐसी जगह है कि हो सकता है मानसून भी खराब होता है, बारिश भी होती है, तो हमारा धान वहाँ सुरक्षित रहेगा। बैठने की भी जगह है, तौल की भी बहुत सारी, क्योंकि टीन से बहुत बड़े बड़े बने, तो हम चाहेंगे कि उन केंद्रों को शिफ्ट करके मंडियों में कर दिया जाए, तो जिससे सुचारू रूप से खेल हो। दूसरी चीज, केंद्रों में एक कांटे की जगह मिनिमम 2 से 3 कांटे बढ़ा दिए जाए। आप उसकी लेवर, किसान से तो आप लेते ही हैं 10 रुपए कुंटल, 20 रुपए कुंटल, जो भी वो है चार्ज है वो आप काटते हैं, तो उस हिसाब से आप लेवर बढ़ा दीजिए और कांटे बढ़ा दीजिए। तो जहाँ 300-400 कुंटल प्रतिदिन मनसा है सरकार की खरीदने की, वो पूरी होने लगेगी तो किसान जो है किसान बढ़ा दी जाएगा। मैं आपको बता दूं, कुछ केंद्र ऐसे हैं जैसे लवेद है, इंडिया लवेद मऊ में पड़ता है, ये खुला 18 दिसंबर को खुला और आज तक अभी वहां पे 6 किसानों का धान खरीदा गया है, यानी कि टोटल 144 कुंटल धान खरीदा गया। अब आप बताइए कि आज हम 12 तारीख में आपके साथ बैठे हैं, इतने दिनों में यदि 150 कुंटल धान खरीदा जा रहा है तो 28 फरवरी तक में कितना धान खरीदा जाएगा, उसको जबकि खंडेहा बेल्ट सबसे धान का माना हुआ क्षेत्र है, बहुत पैदावार होती है धान की वहाँ और अच्छी किस्म का धान वहाँ पैदा होता है। तो इस तरह की समस्याएं हैं केंद्र को लेकर। अभी खाद को लेकर काफी किसानों की समस्याएं सामने आ रही थी, तो क्या लगता है खाद समान रूप से मिल रही है? नहीं, खाद तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अपने जिले में हमने कृषि अधिकारी जी को भी कई बार हमने इसका प्रमाण तक दिया है, ब्लैक में बहुत ज्यादा खाद डंप करा रहे हैं, प्रशासन खुद चार्ज कर रहा है ये काम। समितियों में ये लोग बहाना बना देते हैं कि समितियों में क्या है कि चेक नहीं लग पा रहे हैं, उनका पेमेंट नहीं आ पा रहा है, तो भाई ये समिति चलाता कौन है? अभी के अंडर में तो चल रही ना भाई, यदि वो अध्यक्ष काम नहीं कर रहा हो, वहाँ के सदस्य काम नहीं करे तो भंग करिए, हटाइए उनको, दूसरे रखिए, तो ये बहाना होता है। दूसरी चीज, खाद की पर्याप्त मात्रा है, मैं ये कहूँ दो, खाद की मात्रा पर्याप्त है लेकिन इनका सिस्टम गलत है, ये खाद दे नहीं पा रहे हैं, समितियों को पहुंचा नहीं पा रहे हैं। क्या कैसे सिस्टम बनाए कि सामान उसमें मिल पाए? सिस्टम ये होता है कि जो पेमेंट पर डे आता है, जैसे मान लीजिए आज किसी समिति से 200 बोरी खाद बिकी, तो हम कहते 200 बोरी खाद बिकी, 2 ट्रक बिकी, तो उस 2 ट्रक का अगले दिन पेमेंट तुरंत तत्काल प्रभाव से कर दिया जाए,
ये लोग क्या करते हैं कि समितियों की जो एक रूपरेखा होती है, बहुत ज्यादा उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना मुझे जानकारी है उसकी कि ये लाट टू लाट पेमेंट करते हैं। तो लाट टू लाट पेमेंट ना करके पर डे ट्रक टू ट्रक पेमेंट करिए ना, आपके यहाँ 200 की बोरी बिक गई, 200 बोरी का पेमेंट करिए, अगला ट्रक फिर मंगवा लीजिए, तो किसान को जो है प्रतिदिन खाद मिलने लगी। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में इन्होंने, हमने कई बार इनको प्रमाण भी किया कृषि अधिकारी महोदय को, जो आपके डीटीआरएम होते हैं कोऑपरेटिव जो है उनको भी हमने प्रूफ भी दिया। इन सेक्टर बाजार करबी में एक दुकान है, 300 रुपये 400 रुपये बोरी पकड़ाए भी, आज तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कृषि अधिकारी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल हम उस पर करेंगे। राजापुर में अभी एक दुकान है, हमने उस दिन अभी गए थे डीएम साहब के सामने, जो है एक बात रखी, 300 रुपये 400 रुपये रात में बेचते हैं, दिन में बंद रखते हैं, रात में बेचते हैं। तो ये क्यों क्यों हो रहा है आखिर? और जो ब्लैक में मिलेगी तो समिति वाले तो केंद्र वाले तो सब वापस मिले हुए, इसलिए किसानों को जो है तीन तीन दिन तक किसान जब लगा रहता है लाइन में, तब कहीं जाके उसका नंबर आता है, बताइए कैसे हो? अभी किसानों की एक समस्या और गवर्नमेंट से जो अन्ना है और रात रात में जो है अपनी फसल को काटने के लिए किसान काफी परेशान रहता, तो क्या लगता है इसे कैसे निजात मिल पाएगा? मैं एक इस विषय पे बहुत दुखद बात बताना चाहूंगा। अभी दो दिन पहले भरतकूप में सिर्फ इसी वजह से किसान की मृत्यु हुई, रात में अपने खेत को ताक रहा था अन्ना जानवरों से, उसको ठंड लग गई। शायद आप लोग भी मीडिया के माध्यम से आपको भी कुछ जानकारी मिली होगी, आपको आप अपने चैनल में चलाया होगा, और खत्म हो गया। तो बताइए ये अन्ना जानवरों की से एक किसान की जान गई, उसकी भरपाई देखिए कोई नहीं कर पाएगा। शासन प्रशासन ठीक है कुछ मुआवजा दे दे फला कर दीजिए, मगर वो भरपाई नहीं कर पाएगा उस परिवार की जो उसके साथ घटना घटी। मैं गौशालाओं को मैं ये चाहता हूँ कि सरकार ने गौशालाओं पर इतना पैसा इन्वेस्ट कर रखी है तो उनको औद्योगिक बना ले। हाल ही जिले में आप 200-250 गौशालाएं आप बनाए हुए हैं, 100 कर दीजिए आप, उनकी संख्या कम कर दीजिए लेकिन उनको औद्योगिक बना दीजिए। गौशालाओं पे एम्प्लॉय रखिए, किसी भी गौशाला में चरवाहा नहीं है, सीधे डायरेक्ट जो है गौशालाओं में घेर के किसान या कहते हैं डिप्टी आपके वीडियो के माध्यम से जो कर्मचारी हैं सफाई कर्मचारी गौशालाओं में जानवर अंदर कर देते हैं, उसमें भी कितने अंदर होते हैं 60-70%, 30-40% वो बाहर खुले हुए हैं, तो हमारी फसल तो बची नहीं रही ना भाई। 100% अंदर करिए आप तो फसल बच जाए, 60% आपने अंदर किया पेमेंट निकाल लिया बजट खाली कर दिया और फसल बच भी नहीं रही, एक तरफ ना गाय बच रही है और ना एक तरफ फसल बच रही है और बजट जा ही रहा है। क्या लगता है कि सरकार तो बजट में बराबर दे रही है या कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे? सिस्टम पे काम नहीं हो रहा। कैसा सिस्टम होना चाहिए? सिस्टम मैंने जो आपको बताया कि संख्या कम कर दीजिए आप, 200 गौशालों की जगह 100 गौशालाएं कर दीजिए, मगर उन गौशालों को औद्योगिक बना दीजिए। देखिए गौशालाओं में क्या है, उनको पूर्ण क्षमता के साथ उनको टीन सेट बनवाइए, उनकी बाउंड्रिंग करवा दीजिए, पानी की व्यवस्था करवा दीजिए। किसी भी गौशाला में आप गौर करिएगा चराई नहीं बनी पानी की, बताइए जानवर कहाँ पानी पिएगा, कहाँ पिएगा भाई? उसके लिए कुछ तो ढक्कन होना चाहिए, बर्तन होना चाहिए, हम कहते हैं वहाँ चराई बनवा दीजिए। ठीक है, भूसा का पैसा आप निकालते हैं और प्यार भी नहीं मिल पाता उनको। ये बताइए कभी कोई जानवर एक ही चीज एक ही वस्तु को एक ही चारे को खाकर जी सकता है? दो दिन चार दिन ठीक है, प्यार एक तो ऐसा भी ऐसा प्यार ऐसा चारा होता है कि जो जानवरों के लिए ज्यादा नुकसान देता है, ज्यादा दिन तक खाने पर ज्यादा नुकसान देता है। इसलिए क्या है कि उनका लूज मोशन होता है, उनकी क्षमता कमजोर हो जाती है और फिर वो आपस में टकराते हैं और मर जाते हैं। तो इकट्ठा जब हम किसी जानवर को भीड़ में इकट्ठा फेंक देंगे कोई भी चारा, तो आपस में लड़के ही आधे जानवर छोटे जो तमाम किस्म के जानवर है वो तो खा जाएंगे, मगर जो कमजोर वर्ग के जानवर है वो उनके दब जाते हैं गिर जाते हैं और उनके ऊपर से जानवर चले जाते हैं और वो मर जाते हैं। पर डे मैं आपको बता दूं मेरा एक मिनिमम आंकड़ा है कि हमारे चित्रकूट जिले में लगभग 70-80 जानवर पर डे प्रतिदिन मृत्यु हो रही है जिनका कोई लेखा जोखा नहीं है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस पर कार्रवाई होगी, माननीय हमारे डीएम साहब ने कहा किसी गौशाला में ऐसी सूचना कोई कार्रवाई नहीं होती, हम तो साक्ष्य दे देते हैं प्रमाण दे देते हैं। आप लोगों के माध्यम से भी जनता को भी जानकारी है, शासन प्रशासन को भी जानकारी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इस तरह से ढीला ढवाई कार्यक्रम चल रहा है, मैं तो नहीं समझता सक्सेसफुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो गोवंश के लिए जो एक मुहिम चलाया सरकार ने कि गोवंश को माता मानते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि सरकार ने गोवंश को जो है विनाश की ओर डाल दिया। जैसे आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि आज की डेट में आपको बाज और चील पंछी हुआ करते थे, आज विनाश है उनका,
नहीं लुप्त है, जबकि वो हमारी प्रकृति के लिए बहुत उपयोगी है, गंदगी उनसे मिटती थी। इसी तरह मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में ये जो जानवर गौवंश जो है लुप्त हो जाएगा, ये बहुत दुखदायी है प्रकृति के लिए। अभी आने वाला समय विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है और चुनाव के लेकर सभी दल पार्टियां जो है लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, क्या लगता है किसानों किसान क्या मत है, किसान क्या चाहता है? देखिए इस विषय पे तो मैं हम लोग राजनीतिक संगठन है हमारा, राजनीति से हमारा कोई को नहीं होता, सरकार चाहे जिसकी बने जो किसानों के लिए कार्य करेगी जो अच्छा काम करेगी अमूमन आदमी उसकी तरफ जाता है। और आंदोलन एक ऐसी जीवी है हम लोगों की, यदि हमारा आंदोलन चलता रहेगा तो सरकारें काम करती रहेंगी, तो हम तो आंदोलन को प्रमुखता देते हैं। और रही बात जिले की, हम देखें तो अपनी विधानसभाओं में अपने दो विधानसभाएं हैं, दो यहाँ नेता चुने जाते हैं, जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। और इससे पहले मैंने जब देखा है कि किसानों की समस्याओं पर बड़ी चर्चाएं हुआ करती थी, लेकिन जब से जनप्रतिनिधि बना दिया गया है आज तक कभी भी उन्होंने ये झांक के नहीं लिखा कि यहाँ पे 100 किसान बैठा हुआ है, किस समस्या को लेके बैठा हुआ है, हम जाके पूछे तो उनके पास जाए तो आखिर क्या समस्या है। तो हम जाकर शासन, भाई आप जनप्रतिनिधि तो हमने आपको चुना है, तो यदि हम कहीं आंदोलन कर रहे हैं या कहीं हमारी कोई समस्या है, बैठे हुए वहां पर, तो कम से कम उनको तो आना। किसानों के मन में कहीं ना कहीं लेकर गुस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं, किसान नाराज है इनसे और गुस्सा है, क्योंकि खाद बीज पानी सिंचाई ये सारी समस्याएं जो है ऑलरेडी है यहाँ पर, वो समय पे मिल नहीं पा रही और किसान को यही चाहिए। वो ये नहीं मिलेगा तो अनुमान है जो भी पास का जो नेता होगा हम उसी से तो नाराज होंगे। आप युवा किसान हैं और चित्रकूट जिला बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा जिला जी, तो क्या लगता है कि आप किसानी में ऐसा कौन सा उपज अनाज करते हैं जिसमें आपको बढ़िया उपलब्धि हुई? देखिए इस पे तो मैं ये कहूँगा कि अपने यहाँ धान और गेहूँ, चना और मसूर और अरहर, ये पैदावार हमारे यहाँ होती है, लेकिन पिछले कई सालों से जो गोवंश जो है अन्ना जानवरों की वजह से घाटा ही घाटा रहता है। तो मैं तो अब चाहूँगा अपने नवीन किसानों से और सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा कि अब आप जो है खेती को थोड़ा सा टर्न पे जाएंगे, कुछ औद्योगिक खेती करिए, जैसे है आप हल्दी बोइए, धनिया बोइए, मिर्च लगाइए, बागवानी करिए, और इसके साथ साथ जो है आपको सूरजमुखी है ऐसे। बस उसके लिए एक समस्या हमारे बुंदेलखंड में ये आती कि हमारे यहाँ कोई मार्केट नहीं। मैं शासन प्रशासन से आपके माध्यम से मांग करूंगा कि यदि इन चीजों की मार्केट बना दी बुंदेलखंड में तो यहाँ पर किसान सॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये जो मैंने जींस बताई है इन पे अन्ना जानवरों का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हल्दी है, हल्दी की कोई सब और अच्छा उपज है और हम बाहर बाहर तक इसको बेच सकते हैं, अच्छे दामों में बेच सकते हैं, ऐसी जींस हमको बेने को होने की जरूरत पड़ेगी। आपका मंच में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। अभी हमारे साथ थे भारतीय किसान यूनियन के जिला मीडिया प्रभारी देवेंद्र सिंह, जिन्होंने कहा कि सरकार गौशाला में काम तो लगातार कर रही है, लेकिन वहां गौशालाओं में देखा जाए तो गौवंशों के लिए तो चारा मुहैया नहीं हो पा रहा है, और ना ही उनको सर ढकने के लिए जगह बनाई गई है ताकि सर ढक के बचाव किया जाए। उन्होंने कहा अगर इसी गौशाला को उद्योग धंधा दे दिया जाए, उद्योग से जोड़ दिया जाए, तो गौशाला से ही जो उसमें काम करने की उनकी कमाई निकल आएगी, या काम करने का तो जो है जो काम कर रहे हैं उनके पेट भरने का पोषण भी हो जाएगा, लेकिन सरकार उसमें उद्योग का कार्य करे तो ऐसा हो सकता है। लेकिन उन्होंने यहाँ किसानों के लिए भी कहा है कि अगर धान मसूर और गेहूं से हट करके किसान खेती कुछ करे तो अच्छा आमदनी कमा सकता है, इसके लिए सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है ताकि यहाँ मंडी कुछ हो जाए, तो सरकार अगर मंडी यहाँ करती है तो किसान उससे लाभ प्राप्त कर सकता है। आईपा मंच के लिए सुरेंद्र सिंह कछवाहा, चित्रकूट।